योम इस्तेसाल कश्मीर के मौके पर अंजमन फलाह बहबूद रजिस्टर्ड के ज़ेर तमाम रैली का इनेकाद किया गया, जिसकी क़्यादत सदर अंजमन फलाह बहबूद सैयद नज़ाकत हुसैन गिलानी ने की। रैली में कसी तादाद में शहरियों ने शिरकत की। रैली के शुरका ने अपने हाथों में प्ले कार्ड्स और बैनर्स उठा रखे थे। इस मौके पर सैयद नज़ाकत हुसैन गिलानी का कहना था कि 35A और 370 का खात्मा करके भारत ने कश्मीर की हैसियत को तब्दील कर दिया। इस वक्त हम सैयद नज़ाकत शाह साहब के पास मौजूद हैं, जो कि मकबूजा कश्मीर से ताल्लुक़ रखते हैं और मजबूर होकर यहाँ पर अरसा दराज से रह रहे हैं। तो इनसे पूछते हैं कि ये जो गवर्नमेंट इंडिया ने आइन में तरमीम की है, इसके हवाले से ये क्या कहते हैं शाह साहब? ये जो 35A और 370A जो कानून तब्दील किया गया है, इस पर कश्मीर की जो लोकल आबादी, उस पर क्या असर पड़ेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये 35A और 370 का खात्मा करके इंडिया ने कश्मीर की हैसियत को तब्दील कर दिया है। उन्होंने कश्मीरियों को अकलियत में तब्दील करने का फ़ैसला कर लिया है और उन्होंने बाहर से लोग आकर उनको डोमिसाइल भी देने शुरू कर दिए हैं। और 5 अगस्त को जो उन्होंने जुल्म और बर्बरियत का खेल खेला था, 1 साल पूरा हो गया है, वहाँ लॉकडाउन है, वहाँ हर किस्म की पाबंदी है, वो लोग जीते जी मर रहे हैं। और मैं ये कहता हूँ अपनी अफवाज पाकिस्तान से, अपने लोगों से, कि आप अक़वाम मुत्तहिदा की तरफ देखना बंद कर दें, अब आप इस्लामी कौंसिल की तरफ देखना बंद कर दें। ये लोग हमारा साथ नहीं देंगे, ये लोग हमारे मुसलमान हमारा साथ नहीं दे रहे हैं तो ये कैसे हमारा साथ देंगे? अब आपने पाकिस्तान का नक्शा बना लिया है, उसमें कश्मीर को शामिल कर लिया है, तो बराए मेहरबानी आप कश्मीर के लिए आप उठ खड़े हों। पूरी कौम आपके साथ है, पूरी कौम आपका साथ देगी, पूरी दुनिया आपका साथ देगी, लेकिन जब तक आप ये नक्शे बनाकर बैठे रहेंगे, करारदादे मंजूर करवाते रहेंगे आप करारदादों से, और ये 2 मिनट की खामोशी से और ये जलसा जुलूस से काम नहीं चलेगा। अब आपको उठना होगा। और मैं इसके साथ एक और नया फितना जो बन रहा है उसकी भी बात करना चाहूँगा कि ये कादियानी को अकलियत नहीं, ये काफर हैं, इनको काफर कहा गया है और आइन में भी काफर हैं ये, लिहाजा इनको अकलियत करार ना दिया जाए। और मैं सकत जो खालिद है, जिस बच्चे ने उसको कत्ल किया है, हम खालिद के साथ हैं और इंशाअल्लाह ताला खालिद के साथ रहेंगे। और ये बात आप लोग अब सब मुसलमान जितने भी मेरे भाई हैं अब जा जाएं, मुमताज़ कादरी वाला अशर खालिद के साथ नहीं होने देंगे। और मैं यहाँ पे जितने भी साफ़ी हज़रात हैं और मेरे भाई दोस्त अहबाब जितने भी हैं, इन सब का यहाँ मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो हमारे एक मैसेज पे यहाँ तशरीफ लाए हैं और इन्होंने हमारी हौसला अफजाई की है और कश्मीर काज के लिए ये यहाँ पहुँचे। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। It's caught in the crossfire.